हाय गाइस, टॉक टू इंग्लिश पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्पोकन के सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने आपको फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि आपको हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने आना चाहिए, जिसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहेंगे। आज के इस वीडियो में आपसे यह बताना चाहेंगे कि हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको WH फैमिली वाले वर्ड्स पता होने चाहिए। WH फैमिली वाले वर्ड्स क्या हैं? तो WH फैमिली वाले वर्ड्स जैसे हु, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, और इनका प्रयोग कहाँ पर और कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का प्रयोग पता होना चाहिए। आर्टिकल्स के प्रयोग के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसे आपने नहीं देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अवश्य देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर लाइक और कमेंट अवश्य करें। अब बात करते हैं कि आपको और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, इनका प्रयोग आपको पता होना चाहिए। आपको इंग्लिश के बेसिक सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और आपको निगेटिव सेंटेंसेज पता होना चाहिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश स्पोकन के सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो इंग्लिश स्पोकन का सेकंड टिप्स एंड ट्रिक्स यह है कि आपको वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। जैसे कहेंगे कि राम एक तेज लड़का है लेकिन वह गरीब है, तो इसमें हमने वाक्यों को जोड़ दिया। इसी तरह से अंग्रेजी में भी हमें वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए, और वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें तीन चीज़ों का निश्चित रूप से पता होना ही चाहिए, जिसमें पहला आता है कंजक्शन यानी संयोजक शब्द, दूसरा आता है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द, और तीसरा आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण शब्द। ये आपको निश्चित रूप से पता होना ही चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।